अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एवरीडे साइंस सीरीज में आज जो हम करने वाले हैं इसमें हमारे टॉपिक्स हैं अर्थ है, पोल्यूशन है, इसी में हम लोग जो है अर्थ के साथ अर्थ का रॉक साइकिल देख लेंगे और साथ में एज यूजुअल जो है हम जैसे हमारी रूटीन है फिजिक्स की उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी जो है वो हमारे पास थी सोलर सिस्टम एटमोसफेयर, हमने लास्ट लेक्चर में किया है। आज हम अर्थ देखेंगे, अर्थ के साथ रॉक साइकिल देख लेंगे, पोल्यूशन जो है इसी में देखेंगे, फिजिक्स देख लेंगे बेसिक, और उसके बाद हम लोग जो है अपकमिंग लेक्चर में जो रिमेनिंग हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम इजीली कवर करें। ठीक है, अर्थ का सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है। तो अर्थ के बेसिक जो पार्ट्स हैं ये तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्रस्ट होता है जो अपर मोस्ट होता है, उसके आगे जो है नीचे जो है वो मेंटल होता है और फिर कोर होता है। मेंटल को फर्दर हम डिवाइड करते हैं अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल में, और कोर को भी हम लोग डिवाइड करते हैं आउटर कोर एंड इनर कोर। हो गया, क्रस्ट और अपर मेंटल जो है वो मिलकर जो है वो हमारे पास लिथोस्फेयर बनाते हैं। क्रस्ट प्लस अपर मेंटल है, देन ये हमारे पास लिथोस्फेयर बनाते हैं। कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो आपको याद होनी चाहिए। मास ऑफ अर्थ जो है वो 6 × 10⁴ kg होता है, रेडियस 6400 किलोमीटर है, एज ऑफ अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास इनर कोर है जो कि रिजिड होता है, यहाँ पे जो है ये सॉलिड एक फॉर्म होता है। आउटर कोर में हमारे पास लिक्विड होता है। ठीक है, आउटर कोर के बाहर जो हमारे पास ये चीज आती है इसको हम मेसोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है ये इसकी टेम्परेचर है वो कम होता है। इसको आप इनर जो है ना इनर मेंटल भी कह सकते हो और ये आउटर मेंटल भी होता है। ठीक है, ये दोनों अपर और लोअर मेंटल सॉरी होते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के दरमियान एक ट्रांजिशनल लेयर होती है जिसको आप एस्थिनोस्फीयर कहते हैं। क्रस्ट है जहाँ पे आपके पास ओशन है, आपकी लैंड है, और आपका मोस्टली जो क्रस्ट है वो ऑलमोस्ट 71% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज जो है वो उसमें वाटर है, और रिमेनिंग जो है वहाँ पे आपका जो है वो डेजर्ट्स है या ह्यूमन लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दो चीजें जो बहुत कॉमनली जीएसए के क्वेश्चन में पूछी जाती है, इक्विनिक्स और सोलिस्टिक। इक्विनिक्स वो होते हैं कि इक्विनिक्स है आपके पास जो 21 मार्च को होते हैं, और सेकंड इक्विनिक्स आपके पास 23 सितंबर को होते हैं। ये ऑटम्नल होता है और ये जो है ये स्प्रिंग होता है इक्विनिक्स। इसमें क्या होता है, इक्विनिक्स यानी कि इक्वल, यानी कि इसमें नाइट्स और डेज जो है वो उनकी जो लेंथ है वो इक्वल होती है, 12 आवर्स होती है। ठीक है, अर्थ जो है वो आपके यहाँ पे जो यहाँ पे और यहाँ पे जो पार्ट है यहाँ पे ये सोलिस्टिक्स होते हैं, इसको विंटर सोलिस्टिक कहते हैं और ये समर सोलिस्टिक होता है। 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टिक होता है, 21 जून को जो है वो समर सोलिस्टिक होता है, और सोलिस्टिक में डेज और नाइट्स जो लेंथ है वो इक्वल नहीं होती। जो विंटर सोलिस्टिक होता है इसमें जो डे है वो सबसे छोटा होता है और जो उसकी नाइट है वो सबसे लंबी होती है 22 दिसंबर को। और समर में क्या होता है कि समर सोलिस्टिक 21 जून में जो है वो आपकी जो डे है वो लॉन्गेस्ट डे होता है, जो आपकी नाइट है वो स्मॉलेस्ट नाइट होती है। ठीक है, इसके अलावा आप देखें कि आपका यहाँ से जो है ये अर्थ जो है वो मूव होना शुरू होती है, यहाँ पे ये जाती है, इसका मतलब ये वेस्ट से हमारे पास ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये आपकी रोटेशन भी आपको से पूछी जाती है, बहुत सारे पास पेपर जीएसए के पेपर्स जो है सीएसएस के उसमें पूछी भी गई है। ठीक है, रॉक साइकिल में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास बेसिक तीन रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स को आप जो है वो प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, सेडिमेंटरी रॉक जो है वो सेकेंडरी होती है, मेटामॉर्फिक जो है वो टर्शियरी होती है। रॉक साइकिल फॉर्म कैसे होता है, ये आपके पास मैग्मा है जब वो आपके पास अर्थ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो तरह की रॉक्स जो है वो फॉर्म होती है, अगर तो वो इनसाइड द अर्थ होता है तो आप उसको कहते हो कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आपके पास फाइंड जो है वो फॉर्म हुई है, लेकिन अगर वो अर्थ सरफेस के ऊपर आके वो कूलिंग हो जाता है तो आप उसको कहते हैं कि ये एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है, फिर ये अपलिफ्ट होता है, आउटक्रॉप होती है यानी कि वेदरिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, डिपोजिशन होती है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन किससे होती है, सैलाब वगैरह आ जाते हैं या हवा से या किसी भी तरह से चीजें जो है किसी दूसरी जगह मूव करती हैं, वेदरिंग होती है। तो ये जो एक्सक्लूसिव रॉक्स है ना ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होते हैं छोटे छोटे सेडिमेंट्स में, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, उसके बाद इनके ऊपर जो है वो बुरियल कम्पेक्शन होती है, यानी कि डिफरेंट जो चीजें हैं वो बुरी होती रहती हैं, कुछ ह्यूमन के बॉडीज के या एनिमल्स या प्लांट बॉडीज जो है उसके ऊपर बुरी होते रहते हैं, फिर हमारे पास ये फॉर्म होता है सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स फर्दर जब बहुत सो मेनी टाइम और सो लॉन्ग टाइम जो है वो उसमें से गुजर जाता है, सो मेनी ईयर्स गुजर जाते हैं, डीप बुरियल होती है, इसके अंदर हीट और जो है वो प्रेशर जनरेट होता है, तो हमारे पास जो रॉक्स फॉर्म होती है डेट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये हमारे के पास बेसिक एक आउटर साइकिल है। ठीक है, अब इनर साइकिल में क्या होता है कि हो सकता है हमारे पास ये जो
इंट्रूसिव रॉक्स हैं, एक्सट्रूसिव रॉक्स हैं, इनके ऊपर इतनी ज्यादा बरियल हो गई है कि वो उनके अंदर ही हीट और प्रेशर जो है वो जनरेट होना शुरू हो गया है, तो डायरेक्ट ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकती है। या फिर सेडिमेंट्स जहाँ पर हैं, तो सेडिमेंट्स कुछ के ऊपर तो ये होगा ना कि वो उनके ऊपर कोई और चीज आ जाएगी तो वो डीप बरियल हो जाएगी, लेकिन सम टाइम ऐसे होते हैं कि वो उनके ऊपर कोई और चीज नहीं आती लेकिन अगेन से वो वेदर की तरफ चले जाते हैं, वेदरिंग होती है और अगेन से हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक साइकिल जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये आपका जीएसए में जो है क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट के लिए जस्ट आपसे ये पूछा जाता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रॉक्स कौन कौन से। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज, हम देख लेते हैं कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अबाउट द अर्थ क्रस्ट, जो आपके पास अबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में है वो ऑक्सीजन है। द बॉडी गार्ड ऑफ द अर्थ दैट सेव अर्थ फ्रॉम द मेटेराइट, बॉडी गार्ड जो अर्थ का है, कौन सा जो आपके पास प्लेनेट है उसको बॉडी गार्ड ऑफ द अर्थ कहा जाता है, जुपिटर कहा जाता है बिकॉज दैट इज द लार्जर इन साइज, ठीक है। तो वो अर्थ को जो है वो बचाता है डिफरेंट जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हो रहे होते हैं वहाँ पे, मेटेराइट वगैरह आते हैं, तो जुपिटर जो है वो अर्थ को से बचाता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द बॉडी गार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है जी, वाटर कवर ऑलमोस्ट 10% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मैंने आपको पहले भी बताया दैट इज 71%। वन ऑफ द कंट्री विच पासिस थ्रू द इक्वेटर, इक्वेटर से कौन सी कंट्री पास हो रही होती है, ये हमारे पास कीनिया जो है वो वहां से पास हो रहा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन मोर कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके पास इक्वेटर के करीब जितने भी कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, यहाँ पे जो है ये आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, और जो आपके साइड के पोल्स पे जो कंट्रीज है जितने भी वहाँ पे आपके टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, यानी कि इक्वेटर के करीब वाले इलाके गर्म है और इक्वेटर से दूर जो पोल्स पे इलाके हैं वो जो है वो सर्द है, डेट्स वाई जो पोल्स है इसके जो है वो दोनों दोनों साइड पे जो पोल्स है वो आइस के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम, ये मैंने अभी जब रोटेशन की है तो वहां पे भी हमने इसको स्टडी किया है कि हमारे पास जो अर्थ है ये रोटेट करती है अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ले जाती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल, आपके पास जब ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट हो रहा होता है तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो कि पोल्यूटेंट एज अ जो है ना स्मोक में से निकलता है, That is known as the lead. Lead जो है वो most probably आपका इसमें मौजूद होता है smoke में और ये environment को जो है ना वो pollute करता है और आपके पास air pollution cause करता है। Next water pollution में ये आता है कि acid rain जो है water pollution में आती है और उसमें कौन कौन से जो है ना acids होते हैं, एसिड उसमें सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड होते हैं जो कि बाद में वाटर से मिलकर बनते हैं, लेकिन जो इसमें एलिमेंट्स होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस डाइऑक्साइड और आप ये कह सकते हो सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि SOX और NOX, वो X कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है जी, डैश इज अ कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए आप प्रॉपर जो है क्लोरिनेशन करते हो, बाकी चीजें जो है वो भी आपके पास ब्रोमिनेशन क्लोरिनेशन बताया गया, लेकिन नहीं जो आप मेथड यूज करते हो फॉर टू प्योरीफाई द वाटर दैट इज नॉन एज द क्लोरिनेशन। नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस कॉज, अपने एक्सिस के जो रोटेशन हो रही होती है दैट इज जो है वो क्या कॉज करती है, वो नाइट और डेज कॉज करती है, जो रोटेशन अराउंड द सन हो रही होती है वो आपके पास ईएस कॉज करती है, ठीक है। विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, कोल्डेस्ट प्लैनेट हमारा जो है वो सोलर सिस्टम में कौन सा है, नेपच्यून, ये आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, ठीक हो गया। Which of the following is known as the primary rocks? Primary rocks मैंने आपको बताया कि आपके पास पहले जो igneous rock होती है वो primary होती है, sedimentary secondary होती है, metamorphic जो है वो tertiary rocks भी कहलाती हैं। Physics के कुछ concepts हैं, concepts में उन्हें क्या आएगा कि आपके पास unit पूछा जाता है कि ऐसे unit of the pressure, इस pressure का जो formula है force per unit area है that is known as a newton per meter square, ठीक है, या फिर pascal बीस को कहते हैं, इसका मतलब है both B and C are the correct। The camera is used dash lens for the image. कैमरे में कौन सा लेंस हमारे पास यूज होता है, मोस्ट कॉमन जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस जो है वो यूज होता है। During winter in the cold countries, dash is used to melt ice on the icy roads होते हैं उनके ऊपर आइस को मेल्ट करने के लिए क्या यूज होता है, आपके पास कॉमनली साल्ट यूज होता है और साल्ट का फॉर्मूला है NaCl। What is dry ice? Dry ice जो है वो होती क्या है, बेसिकली उसका फॉर्मूला क्या है, तो सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है दैट इज नॉन एज ड्राई। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे पास दो जो कंपोनेंट्स हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो आपके पास जो जितना भी ईएम स्पेक्ट्रम है जिसमें लाइट, रेडियो, यूवे, गामा वेव्स आपकी सारी आती है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आएंगी। जो चीज आपके ईएम स्पेक्ट्रम में नहीं आती दैट आर द साउंड वेव्स, इसका मतलब है कि साउंड वेव्स आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। Which of the following can not be polarized? जो आपके पास
और परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, उसके एक कंपोनेंट को आप ब्लॉक कर सकते हो. दैट ब्लॉकिंग इज नॉन एज द पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं. बट जो साउंड वेव होती है इसमें जो कंपोनेंट्स है वो पैरेलल होते हैं, उनको आप ब्लॉक नहीं कर सकते. मोस्ट कॉमन आस्क्ड जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो कैन नॉट बी पोलराइज. तो साउंड वेव जो है वो कभी भी पोलराइज नहीं हो सकती. द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज, जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मून पे वेट है वो क्या होगा? अर्थ पे होगा W इक्वल टू एम जी, लेकिन जो है वो उसका जो मून पे है वो होगा 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ. कैसे? क्योंकि आपके पास जो अर्थ जो ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटी है आपके पास अर्थ पे 1/6 ऑफ द टोटल जी है. ठीक है, तो आपके पास जो वेट होगा वो भी यहाँ से W इक्वल टू एम जी होगा. नेक्स्ट है जी, आपके पास ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू डैश ऑफ द लाइट. ब्लू कलर जो है स्काई का वो किस वजह से होता है? स्कैटरिंग की वजह से है. इंटरफेरेंस भी होती है, डिफ्रेक्शन भी होती है, ये लाइट की प्रॉपर्टीज है. बट जो स्कैटरिंग है वो हमारे पास इसकी वजह से, जो लाइट का कलर है वो हमारे पास स्काई पे जो है वो हमें ब्लू दिखाई देता है. तो ये हमारे पास आज तक के टॉपिक्स. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डेट विल बी द नेचुरल हैज़र्ड्स, और उसके बाद जो है हम लोग मूव करेंगे अपने बेसिक मैथमेटिक्स की तरफ. ठीक है, वीडियोस से जो है वो इन टच रहने के लिए जो है आप जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहे. और इंशाल्लाह जितना भी हमारा सिलेबस इस लेक्चर की स्लाइड स्टार्ट में हमने अपनी स्ट्रेटजी बताई है इसको हम कवर करेंगे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.